सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, आज मैं आप उनको बताने वाला हूँ कि आप अपने डेटा को और भी ज़्यादा कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हैकिंग जो हैकर्स है वो बैठे रहते हैं कि कब हम किसी और का डेटा हैक कर ले। तो आप अपने जो अकाउंट्स है उसको कैसे सुरक्षित कर सकते हैं और आपको किस टाइप के पासवर्ड लगाने चाहिए और जो भी टिप्स है वो आज आगे मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं तो हैकिंग करना या फिर हैक करना बहुत ईजी तो है नहीं, उसके लिए आपको कोर्स करने पड़ते हैं, हैकिंग कोर्स करने पड़ते हैं। और जो हैकिंग सीखता है वो बस अच्छे कामों में ही हैकिंग करता है और गलत कामों में हैकिंग नहीं करता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दूसरों का डेटा, दूसरों के पैसे अपने बैंक में ट्रांसफर कर लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा है, किसी का अकाउंट हैक कर लेता है। और आजकल तो भाई ये सब पूरा चल ही रहा है, आप लोग देखते ही हैं कि इसका डेटा हैक हो गया, उसका आधार कार्ड का लिंक, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर आधार कार्ड का लीक हो गया, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर डिटेल्स आती रहती है कि भाई ये हैक हो गया, उसका डेटा लीक हो गया। तो आप अपना जो डेटा है, चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल, जहाँ का भी हो, उसे आप कैसे सुरक्षित कर सकते हैं और कैसे आप अपने आप को सेव कर सकते हैं इन हैकर के साथ। सबसे पहले बात करते हैं तो आप अपना जो पासवर्ड है, किसी चीज़ का पासवर्ड आप किसी को भी मत भूलिएगा। 2019 में और आज तक ऐसा मतलब है नहीं कोई जिसको आप अपना पासवर्ड शेयर कर ले। किसी के ऊपर आप भरोसा मत कीजिए, फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स तो आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, तो उनको आप बता सकते हैं, लेकिन बाहर के लोगों को आप अपना पासवर्ड मत भूलिएगा, वरना कब कौन धोखा दे के चला जाएगा कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। दूसरा जो टिप है वो है पासवर्ड आपको कैसे लगाना चाहिए। देखिए, नॉर्मली आप बेसिक पासवर्ड मत लगाइएगा, जिस तरह से 1234 या फिर कोई नाम लिख दिया, मतलब इस तरह से अगर आप लगाते हैं तो कोई जो बंदा है वो आपका अकाउंट को हैक कर सकता है, क्योंकि जो हैकिंग है वो भी तो उसका दिमाग लगाता है कि हाँ भाई ये बंदा अपना नाम से पासवर्ड लगा सकता है, तो ट्राई करता ही है लोग। तो आप ऐसे पासवर्ड लगाइए जो कि उसके दिमाग में ही ना आए। जिस तरह से आप पकड़ लीजिए, आपका नाम कुछ भी हो, मेरा नाम आर है तो आर लिख दीजिए, उसके बाद अपना कोई भी फेवरेट नंबर, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, जो भी वहाँ पर लिख दीजिए, उसके बाद कुछ सिंबल दे दीजिए, स्टार का, हज का। हालांकि कुछ कुछ साइड में आपको जो सिंबल एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन हाँ अभी ट्राई कर सकते हैं, कुछ नंबर दे दीजिए, उसके बाद फिर अल्फ़ाबेट दे दीजिए, मतलब अलग अलग ट्राई के आप ट्राई कीजिए, कुछ नंबर, अल्फ़ाबेट प्लस आप यहाँ पर अल्फ़ाबेट दीजिए, नंबर दीजिए और कुछ सिंबल होते हैं वो दीजिए, ताकि आपका पासवर्ड एक यूनिक रहे और सिर्फ आप ही इसे खोल पाए। तो इसे मतलब ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा और पासवर्ड तो भाई किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। तीसरा जो टिप है वो है आप लोगों के लिए कि आपको ऐसे साइट्स को ओपन नहीं करना है जो कि सिक्योरिटी चेक नहीं होता है। आप लोग जब गूगल में सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको आता है एक ताला का चिन्ह, उसको वो अगर रहेगा तो ठीक है, अगर वो नहीं रहेगा तो आप उन सब साइट को ओपन मत कीजिए। और जिस तरह से आजकल तो भाई व्हाट्सएप में आती हैं आपको फेक लिंक्स, उसको भी आप ओपन मत कीजिएगा। अगर आप जानते हैं कि भाई ये लिंक सुरक्षित नहीं है तो मत कीजिएगा, उससे आपका डेटा भी हैक हो सकता है। आजकल मतलब हैकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप यही सब टिप इस्तेमाल कीजिए। बेसिक टिप्स ही अगर आप फॉलो करते हैं तो आप हैकिंग होने से बच जाइएगा, मतलब हैक होने से बच जाइएगा। आजकल भाई हैकिंग मतलब क्या बोले, कब किसका हैक हो जाता है ना, कुछ समझ में यहाँ पर नहीं आता है। तो आप अपना डेटा को सिक्योर कर दीजिए और अच्छे से अपना जो भी है पर्सनल चैट जो भी है उससे आप अच्छे से इंजॉय कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल, ये फ़ोनपे, पेटीएम, पेपल, सब में अपना यूनिक और एक टाइप का पासवर्ड मत यूज़ कीजिएगा। मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, जो भी आपका जो बैंकिंग का ऐप है उन सभी में आप एक टाइप का पासवर्ड यूज़ मत कीजिएगा, वरना एक चीज़ अगर आपका हैक होता है तो सभी कुछ आपका यहाँ पर हैक हो जाएगा, तो इन सबसे बच के रहिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो के जाकर पहुंच जाए और वो लोग भी हैक होने से यहाँ पर बच जाए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो के जाकर पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।